सभी मॉडल्स हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक मॉडल्स होते हैं। इन सभी मॉडल्स में 7 तरीके की जालियाँ दी जाती हैं जिसमें आप मोटा बारीक अनाज पीस सकते हैं। ये जालियाँ इसमें हमारी 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक की जालियाँ होती हैं। सभी जालियों पर नंबर मेंशन होते हैं। आपको इसमें मोटा बारीक करने के लिए जालियाँ चेंज करनी है। हॉपर में आप अनाज डालेंगे। ये हमारा ग्राइंडिंग चैम्बर है जहाँ पर आपको जालियाँ लगानी होती हैं। ये जालियाँ आप इसके अंदर इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। जालियाँ हमने लगा ली हैं, चैम्बर हमने बंद कर दिया। हमें इसमें ये व्हील्स दिए जाते हैं मशीन के अंदर लगाने के लिए, और ये ब्रश दिया जाता है क्लीनिंग करने के लिए चैम्बर को। ये क्लोथ बैग है जो हमें रिंग के साथ लगाना है। कंटेनर के ऊपर लॉक हो जाएगा, हमें ये क्लोथ चैम्बर के ऊपर लगाना है। इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब हमें हॉपर में अनाज डालना है। हॉपर के अंदर सेंसर लगे होते हैं, जब तक हम हॉपर के अंदर अनाज नहीं डालेंगे तब तक मशीन नहीं चलेगी। हॉपर में हमने अनाज डाल दिया, हमने मशीन को बंद कर दिया। अनाज पीसने के बाद मशीन 2 से 2.5 मिनट खाली चलती है, चैम्बर को 90% क्लीन करती है, उसके बाद बंद हो जाती है। मशीन चल रही है, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो भी ये मशीन बंद हो जाती है। अपनी अब चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी है इसके अंदर। अनाज पीसने के बाद जो हमें इसमें 10% क्लीनिंग करनी होती है, वो क्लीनिंग हमें यहाँ पे करनी होती है। हमारा यहाँ पे आटा लगा रहता है, उसके लिए हमें ब्रश दिया गया। इस ब्रश से हमें यहाँ पे क्लीनिंग करनी होती है। अनाज पीसने के बाद हमें इसमें से आटा निकालना होता है। ये हमने चैम्बर के ऊपर से कपड़ा हटा दिया, इसको हमें थोड़ा झाड़ना होता है। उसके बाद ये रिंग खोल के हम आटा निकाल के इसको दोबारा इसी तरह से लगा सकते हैं। और सोनार प्रीमियम में हमारे 3 मॉडल्स आते हैं। एक हमारा बेसिक मॉडल होता है, एक हमारा टॉकी मॉडल होता है जिसमें ये सारे फीचर आपको बोल के बताती हैं। हॉपर में अनाज डालिए, मशीन का दरवाज़ा बंद करिए, अनाज पिस चुका है, ऑटो क्लीनिंग चल रही है। एक हमारा प्रीमियम मॉडल आता है सोनार में। सारे फीचर सभी मॉडल्स में सेम होते हैं। इसमें हमें आगे से एक हॉपर लगाने का ऑप्शन दिया जाता है। इसको हम प्रीमियम मॉडल बोलते हैं जिसमें आप खड़े मसाले भी पीस सकते हैं। ये हमें हॉपर यहाँ पे सेट करना होता है। ये हॉपर इसमें आप कोई भी खड़े मसाले इजली पीसे, जैसे हल्दी पीसनी है आपको, मिर्ची पीसनी है तो उसको आप यहाँ से डाल सकते हैं। और चने के दाने की जो भी अनाज है आपके, उसके लिए आपको यहाँ हॉपर में अनाज डालना होता है।